हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कोर का जो है टॉप 30 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर इसी तरह से और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है राइटिंग सेक्शन से, ठीक है। इनमें जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट योर कंपोनेंट ऑफ योर लेटर टू एडिटर, कि इनमें से कौन सा जो एक कंपोनेंट नहीं है जब आप एक पत्र लिखते हैं किसके पास, तो एडिटर, संपादक के पास, ठीक है। तो संपादक किसके पास होता है, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, तो आपका टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट, सिग्नेचर, ये तीनों रहता है, ठीक है, लेकिन आपका जो है टाइटल नहीं रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका टाइटल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो एक आपका सही से सब्सक्रिप्शन है, जब आप लेटर को बंद करते हैं तो कैसे बंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा एस के बाद आपका एल वाई रहता है, तो वो सही होता है। ये आपका किस में है बताना, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, ठीक है। और ट्रूडी का स्पेलिंग चूंकि यहाँ पे गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर तीन नहीं होगा, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, जब नोटिस राइटिंग आप लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन या संस्था का जो नाम होता है आप कहाँ पे लिखते हैं, तो सीधे टॉप पे लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एट द टॉप, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोटिस इशूड बाय स्कूल्स जनरली अपीयर्स इन, कि स्कूल में जो नोटिस इशूड किया जाता है, जारी किया जाता है, तो कहाँ पे रहता है, वो कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड्स या कोर्ट नोटिस बोर्ड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आप लोगों के लिए आसान सा क्वेश्चन है कि स्कूल में जो है वो नोटिस निकाला जाता है, तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड्स में ही, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर, आर्टिकल्स का मतलब क्या नहीं होता है, आर्टिकल्स तो आपके न्यूज़पेपर में रहते हैं, सही है, मैगजीन्स में भी रहते हैं, जर्नल्स में भी रहते हैं, लेकिन लॉ बुक्स जो कानून की किताबें होती हैं उनमें आर्टिकल्स का कोई विशेष रोल नहीं होता है। तो पाँच का ऑप्शन नंबर तीन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये राइटिंग सेक्शन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, जब रिपोर्ट राइटिंग होता है तो जो किसी भी घटना का नरेशन होता है तो किस रूप में लिखा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका इमीडिएट पास्ट फॉर्म, किस रूप में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, छः का तीन। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये बोला हुआ है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम 7 to 9, ये आपको जो है एक बुक का एक्सट्रैक्ट दे दिया हुआ है और आपसे ये बोल रहा है कि आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए 7 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो पोएम का एक्सट्रैक्ट है वो किस पोएम से लिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, ठीक है, 7 का 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द पॉइंट ड्राइविंग टू, ठीक है, कि पॉइंट जो है वो कहाँ जा रही है, ठीक है। तो आप पढ़िएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो जो है कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पॉइंट, पॉइंट के बगल में कौन बैठी हुई थी, तो उसकी मदर, यानी 9 का भी आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन योर स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ, ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन योर स्लम, वो किससे डील करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज़। सोशल इनजस्टिस का मतलब होता है सामाजिक अन्याय और इन इक्वालिटीज़ का मतलब हो गया असमानता। ठीक है, तो इसके बारे में ये पोएम डील करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट काइंड ऑफ ए मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। ठीक है, वो किस प्रकार का क्षण होगा जब सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। टेरिबल, पेनफुल, एक्सोटिक या अनफॉरगेटेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सोटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। ठीक है, तो ये जो फ्रॉस्ट का है, आप पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद पता चलेगा। तो इस पोएम में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, रोड साइड सेड। सेकेंड है द फीलिंग्स ऑफ पैसेंजर्स, द फीलिंग्स ऑफ पीपल ऑन फुटपाथ और नॉट। ठीक है, तो आपको पता होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएम है कौन सा, अ रोड साइड स्टैंड। तो उसमें वो क्या डील करते हैं, तो उसमें वो डील करते हैं किसकी फीलिंग्स को बताना, तो जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं तो उनके मालिक के फीलिंग को डील करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि इसमें से जो है, इस पोएम में जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसमें कौन कौन सी सुंदर वस्तुओं का जिक्र किया गया है। सन एंड मून का किया गया है, अंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स का किया गया है, फ्लावर्स का भी किया गया है। तो इसका जो है 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हु इज सिंथिया, सिंथिया कौन है। द सन गॉडेस, गॉडेस तो सन नहीं हो सकता है इसलिए ये ऑप्शन कट गया। द मून गॉडेस, द अर्थ गॉडेस और द स्काई गॉडेस। ठीक है, तो हु इज सिंथिया, सिंथिया कौन है तो बताओ, एक मून गॉडेस थी। ठीक है, मून गॉडेस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो आंट जेनिफर्स टाइगर के जो हैं, कवि का नाम पूछ लिए, पोइट का नाम पूछ लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा एडियन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ठीक है, कि कौन सी भाषा की पढ़ाई जो है अब अगले दिन से विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले थे, तो वहाँ पे जो है फ्रेंच बंद होगा, क्या बंद होगा, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बंद होगा और जर्मन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, जर्मन। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वॉज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। ऑथर के अनुसार जो है, लेखक के अनुसार, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है गार्बेज यानी कूड़े कचरे का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में आपके बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे पेरेंट्स की जगह पे एल्डर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बुक को अच्छे से स्टडी किए होंगे उनको पता होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पेरेंट्स का जो है वो गार्बेज के मामले में क्या सोच रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन व्यापन करने का एक जरिया है गार्बेज। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डस मुकेश लिव इन। कि मुकेश जो है किस प्रकार के घर में रहता था, अ बिग हाउस, अ स्मॉल हाउस, अ हाफ बिल्ट हट या फिर अ कॉटेज। ठीक है, तो मुकेश कौन से घर में रहता था, अ हाफ बिल्ट हट, एक आधी अधूरी सी झोपड़ी बनाई हुई थी, तो उसी में रहता था मुकेश। ठीक है, अच्छा मुकेश का ड्रीम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया हुआ है कि विलियम डगलस जो हैं वो किस विषय से ग्रेजुएट किए हुए थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड वॉज डगलस वैन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। डगलस जो है वो कितने वर्ष का था जब उसने यह निर्णय किया कि वह तैरने सीखेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 और 11 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर। कि कितने पैसे जो हैं वो पैडलर ने उस क्रॉप्टर से चुराए हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 क्रोनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हुज हाउस डिड शुक्ला लेट गांधी टू इन पटना।
ये जो राजकुमार शुक्ला जो हैं वो गांधी जी को चंपारण के लिए बुलाए हुए थे, चंपारण सत्याग्रह के लिए, ठीक है, इंडिगो फार्मर्स के लिए। तो पटना में जो है वो किनके घर ले जाते हैं? अगर आप लोग को लग रहा है जे बी कृपलानी के घर, तो आप लोग को गलत लग रहा है, क्योंकि जे बी कृपलानी उस टाइम जो है मुजफ्फरनगर में थे, ठीक है, या मुजफ्फरपुर में थे। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन थे? तभी बताएं कि राजकुमार शुक्ला जो है वो एक गरीब किसान था, ठीक है। अगला देखिए, हु इज़ अम्बर्टो इको? अम्बर्टो इको कौन थे? आप प्रोफेसर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट या फिर लॉयर? तो अम्बर्टो इको जो थे वो एक प्रोफेसर थे, और वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, डैनी केसी वॉज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ विच कंट्री, ठीक है। डैनी केसी जो है वो किस देश का जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी है? तो सबसे पहले कि डैनी केसी की, एक मिनट, सबसे पहले ये बात है कि डैनी केसी जो है वो किस खेल का खिलाड़ी है? तो फुटबॉल का। अब आपके बुक में ये नहीं बताया गया है कि डैनी केसी जो है वो किस देश से जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, बस ये बताया गया है कि डैनी केसी जो है वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, आने डैनी केसी जो है आयरलैंड से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी एवर कैम इनटू मनी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोफीज के फादर क्या चीज़ खरीदने को उत्सुक थे अगर सोफी के पास जो है पैसे आ जाते हैं। यहाँ पे सोफी का जो है डिज़ायर नहीं बोला गया है, वो उनके पिताजी का बोला गया है कि अगर सोफी के पास पैसे आते हैं तो उसके पिताजी क्या खरीदते हैं, लग्जरी कार या डिसेंट हाउस या आग या फिर या शॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या डिसेंट हाउस। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द जंग द टाइगर किंग बॉर्न, ठीक है, कि किस क्षण में जो है या किस नक्षत्र में जो है वो ये जो द टाइगर किंग है वो जन्म लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इन द आवर ऑफ बुल। अब ये जो है वो आपका एक नक्षत्र है, ठीक है, तो इसी नक्षत्र में जो है द टाइगर किंग यानी क्या, तो प्रिंस जंगजंग बहादुर का जो है वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, लेट टाइगर्स बी वेयर हु सेड दिस, कि बोल दो कि बाघ लोग जो हैं वो सावधान हो जाएं। तो इस वाक्य को कौन बोलते हैं? तो सही आंसर है द प्रिंस जंगजंग बहादुर। और ये जो है इस वाक्य को कितने साल में बोलते हैं? तो कितने साल नहीं हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस 10 दिन के जब थे तब जो है वो द प्रिंस जंगजंग बहादुर क्या बोलते हैं कि कह दो टाइगर से वो लोग सचेत हो जाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, Why does Charlie went to visit Galesburg? ठीक है, कि चार्ली जो है वो Galesburg क्यों जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा to escape from the troublesome world, ठीक है, इस दुनिया से ये जो परेशानी दुनिया में भरी हुई है तो उनसे बचने के लिए वो कहाँ जाना चाहता है, तो Galesburg, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि क्या जो है सचमुच में वो थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, ठीक है, कि डॉक्टर सदाओ जो है वो हाना से कहाँ मिले हुए थे, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा जापान, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। डॉक्टर सदाओ और हाना जो हैं वो जापान से ही थे, जापान के ही थे, लेकिन वो लोग मिले हुए कहाँ पे थे, तो अमेरिका में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉप 30 VVI क्वेश्चन हम करवा दिए, और अगर आप इसी तरह से और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।